पीथमपुर थाना सेक्टर एक के अंतर्गत पुराने लोधी मोहल्ले में एक अधेड़ की सिर कटी लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। दरअसल पीथमपुर सेक्टर में पुराने लोधी मोहल्ले में एक खाली प्लाट में एक अज्ञात अधेड़ की सिर कटी लाश लावारिस हालत में पड़ी हुई रहवासियों को दिखाई दी। वहीं रहवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पाया कि एक अधेड़ व्यक्ति की सिर कटी लाश कपड़े में ढकी हुई पड़ी है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। फिलहाल पुलिस को मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष दूधी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीथमपुर के मीणा मोहल्ले के एक खाली प्लाट पर अधेड़ की लाश मिलने की सूचना मिली थी। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष है। मौके पर शव चिन्हभिन्न स्थिति में मिला है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हमारे साथ कोई भी ऐसे व्यक्ति की गुमशुदगी कायम नहीं थी। संभावना जताई जा रही है कि यह कोई भिखारी टाइप का व्यक्ति हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पीथमपुर से संजय सौंदर्य की रिपोर्ट। इस पर आपका क्या कहना है? क्या यह हत्या है या सोची समझी कोई साजिश है या आत्महत्या? इधर मीना मोहल्ले में सुनसान जगह है, जहाँ पर एक वीरान बाथरूम बना है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पर एक व्यक्ति करीब 55 से 60 साल की उम्र उसकी लग रही है, उसकी डेडबॉडी मिली जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो अभी मर्ग कायम करके हम जांच कर रहे हैं। इसमें पोस्टमार्टम के बाद स्थिति मालूम चलेगी। ये भी संभावना है कि ये अज्ञात व्यक्ति, अभी तक की कोई रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं कोई गुमशुदगी संबंध में, तो हो सकता है कोई भिखारी वगैरह हो। अभी पता लगेगा पोस्टमार्टम के बाद व्यक्ति का कारण क्या है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।